शौक में हो तो इस तरह की हरकत करोगी? उन लोगों की तरह जो अपने से कमजोर पे हावी हो जाते हैं, हाँ? इसने जो कहा था उसकी माफी मांग ली है इसने। मां आप नहीं जानती, ये गली मोहल्ले की दो टके की औरतें इसी तरह करती हैं। पहले सबके सामने जलील करती है और फिर अकेले में आके माफी मांगती है। अब सबके आगे माफी मांगनी पड़ेगी तुमने। मांगो मांगो सबके आगे मांगो। नहीं फिर नहीं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं फिर, तुम ऐसे नहीं करोगे। तो क्या करूं मैं, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? तुम बीच में मत हो, तो पहुंच जाए यहां पे। मैंने कहा ना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। हां जी आइए आइए लाला। आप शहर जा रहे हैं? जी लाला, वो लड़की जिद कर रही है तो मैंने सोचा कि मैं खुद शहर जाकर उसका सामान ले आता। मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, इतनी देर में ड्राइवर भी थोड़ा सा सांस ले ले। अरे नहीं 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 लाला, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग तो अभी चक्कर लगा कर आए हो, वहां से थके हो गए, आराम करो, मैं किसी और को साथ ले जाता हूँ। हाँ जी, रात का सफर है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे लाला कुछ नहीं होता, फिक्र मत कीजिए, खैर वाफिस से वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आपने सारी जिंदगी सामान नहीं उठाया, मेरे होते हुए आप। लाला ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी, जब ये जिम्मेदारी आपने मुझ पर डाली थी। मैं नमाज पढ़ के आता हूं। निसा, ये तुमने क्या किया है? क्या क्या किया मैंने? उस बेचारी का क्या कसूर, उसको क्यों एटीट्यूड दिखा रही हो? और वो जो मेरी इंसल्ट करती रहती है, वो शौक में है। अम्मी उनसे बड़े शौक में मैं हूं। तुम शौक में हो तो इस तरह की हरकत करोगी? उन लोगों की तरह जो अपने से कमजोर पे हावी हो जाते हैं, हाँ? सदमों में तो इंसान पहचाना जाता है, उसकी जात, उसकी फितरत, उसकी तरबियत, तभी तो नजर आती है। तुमने उसकी इंसल्ट नहीं की, तुमने मेरी इंसल्ट की है, मेरी तरबियत की। आई डिडंट रेज यू लाइक दैट, नाउ गो। जरक के साथ तुमने जैसे बोलना है बोलो, जैसे लड़ाई करनी है लड़ाई करो, लेकिन उस बेचारी के सामने तुम ऐसा नहीं कर सकती। जाओ। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हैं? बताएं मुझे क्या बात है। तो
तुम अपना काम करो फैज, हमारे रोने धोने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बाबा ने कुछ बोला? उन औरतों से झगड़ा हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ है फैज। सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही है आपसे? क्यों बोला इसने आपसे सॉरी? इन्हें पता है मैं सॉरी क्यों बोल रही हूं। मुझे भी बताओ। इन्हीं से पूछ लो। तुमसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ मुझे। फैज क्या बोला था तुमने अम्मा को? है छोड़ो मुझे। फैज हम दोनों के बीच में मत आओ, हम जाने ये जाने। अम्मा आप क्या जानेगी इनको? इन लोगों तो मैं जानता हूँ। क्यों बोल रही थी सॉरी अम्मा से? हैं बोलो। फैज छोड़ दो इसे। बताओ छोड़ दो इसे। फैज क्या कह रही थी अम्मा से? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? बोलो क्या बोल रही थी अम्मा से? हैं बोलो। इसने जो कहा था उसकी माफी मांग ली है इसने। अम्मा आप नहीं जानती, ये गली मोहल्ले की दो टके की औरतें इसी तरह करती हैं। पहले सबके सामने जलील करती है और फिर अकेले में आके माफी मांगती है। अब सबके आगे माफी मांगनी पड़ेगी तुमने। मांगो मांगो सबके आगे मांग। क्या हो गया है आपको? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं फैज, तुम ऐसे नहीं करोगे। तो क्या करूं मैं? ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? हम लेंगे तुम्हारी बेइज्जती का बदला, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। मेरी बेइज्जती का बदला मौत, उसकी मौत। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते फैज? तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता। बस बता दिया मैंने आपको, हटे। नहीं फैज तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है उसको तो मारने देंगी नहीं आप, है ना? खुद मार देता हूं मैं अपने आप को। यही चाहते हैं ना? मार दूं? नहीं 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 चाहते। तुम क्यों मारोगे उसे? मैं मार देता हूं उसे। वो कैसे जिंदा रह सकता है जिसने तुम्हारे पे हाथ उठाया? इस कबीले के होने वाले सरदार के मुंह पे कोई थप्पड़ मारे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
मेरी इजाजत के बगैर ये प्रस्ताव तुमने अपने पास रखे। इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे, पहले एक जवाब दो मुझे। कभी चलाई है ये? कभी किसी की जान ली है अपनी इज्जत की खातिर? कभी किसी में इतनी जुर्रत पैदा ही नहीं हुई कि मुझ पे हाथ उठा सके। तो इसकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई? वो जुर्रत आपकी दी हुई है। नहीं, मैंने नहीं दी उसे ये जुर्रत। उसे उसके खून ने ये जुर्रत दी है, वही खून जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। गलती तुम्हारी है कि तुम उसे भी उन आम लड़कियों की तरह समझते रहे अपने इर्द गिर्द घूमने वाली, जिनके साथ तुम बदतमीजियां करते हो और वो आगे से तुम्हारे रोब और दबदबे की खातिर चुप रहती है, उफ तक नहीं करती। मैं जानता हूं कि तुम लोगों के मुंह पे थप्पड़ तक मारते हो और कोई आगे से एक लफ्ज नहीं बोल सकता, क्योंकि उनमें से कोई भी जरा खान की बेटी नहीं है। तुम और तुम्हारी मां जब तक इन दोनों को गली मोहल्ले की आम औरतें समझते रहोगे, तब तक खुद भी परेशान रहोगे और मुझे भी तकलीफ दोगे। तुम दोनों एक बात तस्लीम कर लो, ये मेरी बेटी और बीवी है। इससे को मैं बिल्कुल ऐसे ही समझता हूं जैसे एक बेटी ने अपनी मां से बदतमीजी की और एक भाई ने अपनी बहन से। बच्चा, आज जो कुछ इस घर में हुआ है अक्सर घरों में होता है। बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करती हैं और बहन भाई अक्सर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। यह हमारे घर की बात है और इसी घर में रहनी चाहिए, यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बड़ा दुख होगा मुझे। मैं तुम लोगों को अपनी औलाद की तरह समझता हूं और यकीनन तुम लोग भी मुझे अपने बाप की तरह समझते हो। अगर ये बात इस घर से बाहर गई तो फिर ये रिश्ता टूट जाएगा और हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। बस बच्चे, मैं तुम्हारा सामान लेने के लिए निकलने ही वाला था, शायद थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े मुझे। मैं चाहता हूं तुम्हारे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाए। कुछ बता कर नहीं गया लाला कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं खान जी, कुछ नहीं बताया। अरे हैरत की बात है, आपके साथ तो बड़ी दोस्ती है।
आपको तो कम से कम बता के जाना चाहिए। हाँ जी, मैं तो बीच में ही मारा गया हूँ। वो भी नाराज हो गया है आपकी नजरों में, मैं भी बुरा हो गया। तुम बीच में मत आओ। मैंने कहा ना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्या कर रही हैं आप? तुम इस वक्त यहां से चले जाओ फिर, बेशक कहीं भी चले जाओ, किसी और शहर, लेकिन यहां से चले जाओ खुदा के लिए। इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं मुंह छुपा के भाग जाऊं यहां से तो क्या करोगे? मुंह छुपाकर कमरे में बैठे रहोगे? तुम कुछ भी करो फैज, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। इस वक्त तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहां से चले जाओ। उन लोगों से हमें लड़ने दो, हम लेंगे तुम्हारा बदला। वो थप्पड़ उन्होंने तुम्हारे मुंह पे नहीं, हमारे कलेजे पे मारा है। तुम जाओगे तो तुम्हारे बाप की नजर में तुम्हारी कदर और बढ़ेगी। वो चाहे जितनी सख्ती कर ले, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। जब तुम जाते हो वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत परेशान होते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे यहां से चले जाने से उसकी अहमियत कम होगी और तुम्हारी बढ़ेगी। औरत से औरत बनकर लड़ना चाहिए बच्चे, मर्द बन के लड़ोगे तो हार जाओगे। तैयार हो जाओ।
बता कर नहीं गया लाला कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं खान जी, कुछ नहीं बताया। अरे हैरत की बात है, आपके साथ तो बड़ी दोस्ती है उसकी, आपको तो कम से कम बता के जाना चाहिए था। खान जी मैं तो बीच में ही मारा गया हूँ, वो भी नाराज हो गया है आपकी नजरों में, मैं भी बुरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ दिन दूर रहना चाहिए उसे। खान जी नतीजा तो वही निकल रहा है ना, जिसकी वजह से ताजवर बीबी ने इस हवेली में आने से इनकार कर दिया था। मेरी बेटी अगर इस हवेली में पली होती तो उसके रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ताजवर बीबी बिल्कुल इसी तरह की थी और उसका रवैया भी ऐसा ही था, जैसे ये झगड़े निशा बच्चे कर रही है, कल उसकी माँ करती थी। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मसले और ना बढ़ जाए, बेटी उधर नाराज है, बेटा भी नाराज ना हो जाए। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए मुझे सुल्तान खाला? इस वक्त बेहतरीन फैसला ताजवर बीबी कर सकती है, हाँ, और वही आपको परेशानी से निकाल सकती है। अरे नहीं 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 सुल्तान, वो क्या फैसला करेगी, वो तो मुझे फिर से तनहा कर देगी, और अब इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं ये तनहाई काट सकूं। पहले ताजवर छोड़कर गई, अब निशा छोड़कर चली जाएगी मुझे। दूसरी तरफ बीबी जान और उसका बेटा है, उसकी जुदाई आप बर्दाश्त कर सकते? हाँ जी निशा बच्चे और ताजवर को जिस तरह आप रोक रहे हैं, अंजाम तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, अल्लाह ना करे वो। मेरा बेटा छोड़कर नहीं जाएगा मुझे, क्योंकि मैं अपने बाप को छोड़कर नहीं गया था। खान जी हाँ। तो निशा बीबी का वकील आपसे मिलने आया है। उसको मेहमान खाने में बिठाओ, मैं आता हूँ। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? सरदार साहब से मिलना है। क्या काम है? निशा के सिलसिले में। केस तो आपने वापस ले लिया है ना? जी। तो फिर क्या बात है? देखिए मुझे इनसे बात करनी है। ओहो, वो खामखा किसी से नहीं मिलते। जरूरी है। आपके लिए जरूरी है, उनके लिए जरूरी नहीं है? उनके लिए भी जरूरी है। आप मुझे बता दें, आपकी बात अंदर तक पहुंच जाएगी? ये बात मैं उनसे मिलकर बताऊंगा। भाई मैं बता रहा हूँ आपसे नहीं मिल सकते, आप खामखा जिद कर रहे हैं। देखिए मैं नहीं चाहता कि ये बात मैं अदालत में जाके करूँ, इसलिए यहीं पर सेटल करना चाहता हूँ। कौन सा बात सेटल करना चाहते हैं? यही कि आपने यहाँ पर दो खवातीन को हजर भेजा में रखा हुआ। आप शराफत से यहाँ से चले जाएं, वरना अपनी अदालत की बजाय इधर हमारे जिरगे में बैठना पड़ेगा। ये बात सरदार साहब के लिए नुकसान दे सकती है। जो भी है, नुकसान है नहीं है, जो करने जाकर कर लो। ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे जाओगे? ऐसे जाएगा ये। तुम बीच में मत जाओ। तो फोन जाए यहां से। मैंने कहा ना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बर्बाद करके रख दिया तुमने मेरे घर को, हर दो मिनट बाद तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है। जाओ जाकर खुद रोको उस लड़ाई को जो तुम्हारी वजह से हो रही है। अब कौन लड़ रहा है? वही जिन्हें तुम पीछे छोड़कर आई हो, उन्होंने गिरेबान पकड़ लिया हमारे बेटे का। क्या हुआ है? क्या बात है?
क्या हुआ सर निगार? तुम लोगों ने मोहल्ला बना के रख दिया है मेरे घर को। एक तमाशा खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम्हारी बेटी जिनको रो रो कर बुला रही थी वो छुड़ाने आए हैं इसको। हमला कर दिया है हमारे घर पर। कहाँ है वो तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे बताओ कहाँ रखा है उसे। दबाओ जाओ यहाँ से। निगार, ऐसी गैरत का दिमाग दुरुस्त करना बहुत जरूरी होता है जो बगैर सोचे समझे जोश मारने लगे। कोई और होता तो गोली मार देता उसे। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरे लिए तुम्हें हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे जो भी करी वो मेरा मसला है। मैं लड़ती हूँ, मरती हूँ, झगड़ती हूँ, जो भी करती हूँ, तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। सांस सर ऊपर करो, इसी तरह खून बंद होगा। तुमने बुलाया था उसे? मैं क्यों बुलाऊंगी? फिर वो कैसे आया? यार मुझे क्या पता वो क्यों और कैसे आया है। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? खून तो रुक गया लेकिन मुझे लग रहा है कि नाक का एक्सरे कराना पड़ेगा। मैंने नहीं जाना किसी डॉक्टर। नहीं मैंने डॉक्टर को बुलवाया है घर पे, वो आके चेक करता है। फरजाद कैसा? ठीक है। क्यों आया था वो यहाँ पे? ये तो मैं उसके बाप से पूछूंगा कि क्यों आया था वो यहाँ। कुछ चीज चाहिए हो तो बता देना। इसे सर ऊपर करो। को किस लिए कैद में डाल दिया है आपने? तुम कहीं बाहर से आ रही हो जो ये सवाल पूछ रही हो? मतलब ये कि उसे उसकी गैरत की सजा मिल रही है। जरनिगार, ऐसी गैरत का दिमाग दुरुस्त करना बहुत जरूरी होता है जो बगैर सोचे समझे जोश मारने लगे। कोई और होता तो गोली मार देता उसे। फैज ने तो बहुत रियायत की है उसके साथ। हर कबीले में ऐसा कौन सा आदमी है
जो अपनी बहन का नाम किसी की जुबान से सुने और बर्दाश्त कर ले। देखो सरदार ज़ादे और एक आम आदमी में फर्क होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसे अपने घर की रुसवाइयों को घर में ही दफन करना है, ना कि उनके लिए बाहर खड्डे खोदना पड़े। कब तक बंद रखेंगे उसे? बताइए कब तक बंद रखेंगे उसे उन मवेशियों के साथ? जब तक फैसला नहीं हो जाता उसका। खाना खा ले। कैसा था वो? ठीक था। कहाँ पे रखा हुआ उसे? वो बैठक के पीछे पुराना कमरा है ना, खान जी का मेहमान आए तो उसका ड्राइवर वगैरह सोता है वहां पर। अच्छा सुनो, मैंने उससे मिलना है, तो जब बर्तन लेने जाओगी तो मुझे साथ ले जाना, ठीक है? उधर गैर मर्द से मिलने की सजा मालूम है क्या होती है? मेरे लिए वो गैर मर्द नहीं है। और मिलाने वाले की सजा उससे भी ज्यादा सख्त होती है बीबी जान। बेबो मुझे सिर्फ रास्ता दिखा दो, बाकी मैं खुद कर लूंगी। क्या है तुम ना हंसी पकने बैठी? क्या निकलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। किधर? मजा कैसे? तुम कैसी हो? बहुत मार रहा है तुम्हें। नहीं बस मैं अब ठीक हूँ। मारना चाहिए था। You deserve it। तुम अपनी बताओ, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना उन्होंने? तुम्हारी मेहरबानी से ना बहुत अच्छा सलूक हो रहा है मेरे साथ। पता तुम्हारे बॉस बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है। पहले यहाँ आके तुमने इतने डायलॉग्स मारे और अब एक्शन भी दिखा रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए कितनी सफाइयां पेश करूं इनके सामने? तुमने तो जो लड़ाई लड़नी थी ना लड़ ली है। पहले तो इस घर के सिर्फ दरवाजे बंद थे मेरे लिए, अब खिड़कियां भी बंद हो गई। जलील करवा दिए तुमने मुझे सबके सामने। तुम तो छोड़कर चले जाओगे ना?
तुम्हारा बाप किसी भी कीमत पे निकाल के तुम्हें ले जाएगा, लेकिन तुमने मेरे बाप को खुली छुट्टी दे दी कि वो मुझे कैद करके रखे यहाँ पे। देखो फरजाद, प्लीज प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरे लिए तुम्हें हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे जो भी करी हूँ मेरा मसला है। मैं लड़ती हूँ, मरती हूँ, झगड़ती हूँ, जो भी करती हूँ, तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। बीबी जी देखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ बीबी जी, और मेरा पीछा मत करना, समझे? कुछ मत करना मेरे लिए। मिलने जा रही थी जी उससे, पकड़ के लाई हूं मैं। मिलने जा रही थी या मिलकर आ रही? हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं बीबो। नहीं जी, मैं तो काना देने गई थी, कसम ले लें, ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आ गई हैं। बोले ना, ऐसा ही हुआ था ना जी। तुम्हें क्या जरूरत है सफाइयां देने की है? इतने दिनों में मुझे इस घर के सारे रास्ते याद हो गए। रुको, जवाब दो हमें। क्यों जवाब दूं मैं आपको? एक कैदी दूसरे कैदी को जवाब दे नहीं होता, समझिए आप। तुमने रास्ते देखे हैं इस घर के, अब रिवायात हम तुम्हें दिखाएंगे। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी ना। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।